हेलो गाइस, वेलकम टू पायरोसॉफ्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में, इंटीजर फंक्शन के बारे में। और आप मोर देन वन इनपुट इन वन लाइन, आप एक से ज़्यादा इनपुट एक लाइन में कैसे ले सकते हो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन की सिंटेक्स क्या है वो देख लेते हैं। इनपुट, इनपुट नेम में ही आपको पता चल जाता है कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, इनपुट का मीन्स होता है कि आप यूजर्स के पास से कोई भी एंटर करा सकते हो, कोई भी वैल्यू एंटर करा सकते हो। आप इनपुट फंक्शन के अंदर आप कोई भी मैसेज को आप डिस्प्ले करा सकते हो और बाद में यूज़र के पास से वो में वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, आप इनपुट के ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में आप कोई भी मैसेज टाइप करो, वो आपको इनपुट में दिखाता है, सॉरी आउटपुट में दिखाता है। ठीक है, यू कैन टाइप एनी वन मैसेज। ओके, अभी हम नेक्स्ट इंटीजर के बारे में बात करते हैं। तो इंटीजर, इंटीजर मीन्स बिना फ्लोट वाली संख्या, बिना पॉइंट नंबर वाली वैल्यू। ठीक है, तो आप इनपुट, बेसिकली इनपुट के बारे में आप जान चुके हो कि इनपुट आप यूज़र से लेते हो। ठीक है, और यूज़र के पास से जो भी आप इनपुट लेते हो वो स्ट्रिंग में होता है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, जिससे आपके पास इंटीजर वैल्यू आती है। ठीक है, इसलिए बेसिकली आपको इंटीजर लिखना है उस दो, और दो पैरेंथेसिस के अंदर आपको इनपुट डाल देना है कि आप क्या मैसेज आउटपुट में कराना चाहते हो, इससे आप यूज़र के पास से वैल्यू दे ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट हम मोर देन इनपुट को एक लाइन में कैसे ले वो देखेंगे, वो इसलिए आपको स्प्लिट मेथड यूज़ होगी। स्प्लिट मेथड में बेसिकली क्या है कि स्प्लिट मेथड में आप कुछ नहीं लिखते हो, अगर आप ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते हो तो पाइथन उसको स्पेस की तरह कंसिडर करते हैं। अगर आप उसमें कुछ कोमा डालते हो तो वो आपका इनपुट कोमा डालते हो तो अगर आपका इनपुट वहाँ से डिफरेंट होगा। ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम का। ठीक है, अभी मैं यूज़र के पास से इनपुट कराता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सिंपली इनपुट। अभी मैं यहाँ पे यूज़र के पास से मैं यूज़र का नेम इनपुट कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैं मैसेज लिख लेता हूँ कि एंटर योर नेम। ठीक है, अभी मैं एक को वेरिएबल को प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक को प्रिंट करा लिया। अभी देखो, अभी ये मैसेज मुझे आउटपुट स्क्रीन में आएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा। ठीक इसी मैसेज के बाद मैं यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा, वो वैल्यू ए में स्टोर होगी, ए वेरिएबल में स्टोर होगी, और वो वैल्यू को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास यूज़र का नाम आ जाएगा। हम वेरिएबल में इनपुट को क्यों स्टोर करते हैं, हम इसलिए स्टोर करते हैं जिसको आप यूज़ करके आप आगे ऑपरेशन कर सकते हो। ए को यूज़ करके आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, लाइक एरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो, कोई भी आप ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, आपको ठीक से दिखे, इसलिए यहाँ पे मैं नेम डालता हूँ XYZ। ठीक है, अभी मेरा नाम सिंपली यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा, देखो आप देख सकते हो इनपुट का वर्क ही ये है। ठीक है, अभी हम इंटीजर के बारे में बात करते हैं। तो हम मैंने एक वेरिएबल असाइन कर लिया, सॉरी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इनपुट करा, मेरे कोई यूज़र के पास से कोई नंबर चाहिए। ठीक है, मैं चलो आपको एडिशन करके दिखाता हूँ, दो नंबर यूज़र के पास से लेके उसका एडिशन करके दिखाता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे यूज़र के पास से इनपुट सिंपली चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख पा मैसेज पास कराता हूँ, एंटर नंबर 1। ओके, और मैं यहाँ पे दूसरा नंबर भी प्रिंट करवा दे, दूसरा नंबर भी इनपुट ले लेता हूँ बी वेरिएबल में। ठीक
एंटर नंबर टू। यहाँ पे मैं दोनों का एडिशन करा देता हूँ, ए प्लस बी। अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे मैं नंबर सबसे पहले 10 लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं 20 लेता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 1020 आने वाला है, क्योंकि ये नंबर स्ट्रिंग में है ऑलरेडी। ठीक है, अभी मैं इनपुट इंटीजर का यूज़ करके, देखो मैं इसको स्ट्रिंग में, सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ। इंटीजर मैंने लिखा, ओके, इंटीजर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ और यहाँ पे मैं 20 लेता हूँ, 30 देख सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे फ्लोट नंबर भी ले सकते हो, फ्लोट, टेन और 20.0, चलो 20.1 लेते हैं, 30.1, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिकली, मैंने यहाँ पे 10, सॉरी 10 ले लिया, अभी यहाँ पे मैं 20 लेता हूँ, तो भी मेरा आउटपुट 30.0 ही आने वाला है, क्योंकि वो मैं आपको बाद में समझा दूँगा, ठीक है। तो अभी देखो 30.0 वो कैसे होता है, वो कैसे रहता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो आप इंटीजर के साथ, इंटीजर को कोई भी आप ऑपरेशन कराते हो, तो आपका आउटपुट इंटीजर में आने वाला है, ठीक है। आप इंटीजर के साथ फ्लोट में ऑपरेशन कराते हो, तो आपका आउटपुट फ्लोट में आने वाला है, ठीक है। आप फ्लोट के साथ फ्लोट फ्लोट को ज्वाइन करते हो, तो आपका आउटपुट फ्लोट में आने वाला है, ठीक है। और हाँ, आप स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को भी ज्वाइन कर सकते हो, वो कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर में आउटपुट लिया है, ठीक है, सॉरी इनपुट लिया है। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट माय इनपुट इज, यहाँ पे मैं एक, अभी मेरे पास एरर आने वाली है, देख सकते हो आप, क्योंकि मैंने ये इनपुट में, सॉरी इनपुट को मैंने इंटीजर में लिया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिंपली उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, स्ट्रिंग लगा के कन्वर्ट, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे मैं 20 डालता हूँ, माई इनपुट इज 20, ओके। आई होप आप सबको ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मोर देन इनपुट इन वन लाइन, तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले दो वेरिएबल बना लेना है, मैं यहाँ पे नेम और एज। आप एक वेरिएबल, आप स्प्लिट के यूज करके आप एक इनपुट नहीं करा सकते, आपको मिनिमम टू इनपुट तो लेना ही है, वरना आपके पास एरर आती है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे मैं इनपुट कराता हूँ, इनपुट एंटर योर नेम एंड एज। यहाँ मैं सिंपली स्पिलिट लिखता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो मेरा दो, मैं यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे मैं आउटपुट जो आउटपुट में जो इनपुट करने वाला हूँ मैं, वो यहाँ सिंपली डिफरेंट स्पेस से होने वाला है, ठीक है। अभी हम आउटपुट में आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ अपना नेम, और यहाँ पे मैं प्रिंट में एज करा देता हूँ, ठीक है। पे मैंने रन किया, ओ हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नेम एक्स वाई जेड, ठीक है, अभी मैं एज डालता हूँ 18,
अभी मैं रन कराता हूँ तो मेरा नेम में एक्स वाई जेड चला जाएगा और एज में 18। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्पेस नहीं डालता हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड, और अभी मैं स्पेस नहीं डालने वाला 18, तो अभी मेरे पास एरर आने वाली है। तो सॉरी मैंने फिर से कर दिया, एक्स वाई जेड 19, ठीक है, चलो 18 ही कर देता, देख सकते हो मेरे पास 18, क्योंकि यहाँ पे आपको आपने एक ही इनपुट डाला है, ठीक है, आपको दो डालने हैं, एक्सपेक्टेड दो है। ठीक है, आई होप आप सब लोग को ये बात समझ आ रही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्प्लिट में कोमा डालता हूँ, आपको आपको डिफरेंट करना है आउटपुट को, कहाँ से डिफरेंट करना है वो आपको डालना है। अभी मैं आपको कोमा से डिफरेंट कराता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोमा डालता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम में एक्स वाई जेड डालता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ पहले, एक्स वाई जेड, और मैं यहाँ कोमा लगा के 18 डाल देता हूँ, तो अभी मेरा नेम में एक्स वाई जेड चला जाएगा और एज में 18 चला जाएगा। ठीक है, आपने देख लिया, ओके, तो फिर हम यहाँ पे चलिए एक और कर देते हैं, हम यहाँ पे जेड डाल देते हैं, जेड। अभी आउटपुट में क्या आएगा कि मेरा नेम में, सॉरी ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा नेम में एक्स वाई चला जाएगा क्योंकि हम जेड से डिफरेंट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इनपुट में एक्स वाई जेड, आपने ऑलरेडी, आपको अभी स्पेस या कोमा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जेड से उसको डिफरेंट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी जेड डाल दिया, मतलब आपका ये जेड नेम में कंसिडर नहीं होगा, नेम में सिर्फ आपका एक्स वाई चला जाएगा और आप जो एज डालते हो, 18 डालता हूँ मैं, तो मेरी एज में 18 चला जाएगा। ठीक है, एंटर, आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट। ठीक है, ये सब कोड मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आई होप आप सब लोग को पता चल गया होगा मेरा वीडियो देख के। अगर आपने आगे की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप आगे की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, इसी तरह से आप हमारी चैनल को लाइक करते रहे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।